का वेट जा रहा है कितना? 14. अच्छा, और इस पे कितना आया था? केवल 10 किलो ना, कितना डिफरेंस। और अभी इसको मैं संभाल के रखने वाला, आराम से पटपट करूंगा, इस पे पटाके फोड़ूंगा। ए कर लो, धूप ले रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो भाई काफ़ी दिनों बाद मैं ये वाला व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कुछ लोगों ने काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया था व्लॉग के चक्कर में, लेकिन मोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा थे, तो सॉरी सब, मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी क्या है ना कि आज मैं भाई सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि रात को मैं ऑफिस से कल आधी सो गया था 6-7 बजे, और सुबह भाई 3-4 बजे उठ गया, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो भाई बस मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कभी गाने सुन रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। और भाई अभी सुबह के 6 हो गए, लेकिन सूरज का तो अभी कोई भाई नामो निशान ही नहीं है अभी भी। हालांकि सर्दी कम हो गई है, लेकिन अभी भी सर्दी वाली ही है। अभी ये चांद दिख रहा है ऐसा। मैं इसको रोज़ अच्छे से करके, मतलब सोने से पहले अच्छे से बनाता हूँ, इसे भी अच्छे से फैलाता हूँ, लेकिन रात को अपना पता नहीं क्या गुड़मुड़ हो जाती है। इस चादर में दिक्कत है, मेरे को बदलनी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पीछे एक बड़ी बच्ची स्कूल जा रही है। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में ही हो अभी तुम? इधर सुबह सुबह मेहनत चल रही है स्कूटी को स्टार्ट करने में। भाई अभी मेरे पास बहुत सारी ना रद्दी इकट्ठी हो रही है, तो अपने को घर साफ करना है वाला, तो मैंने काफी सारी रद्दी निकाल ली है, और उसको नीचे मतलब कबाड़ी वालों को मैं बेचने जा रहा हूँ। तो उसने अभी तोला तो तोल के कल 10 किलो निकला, लेकिन उठाने में वो मेरे को ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उससे तुलवाया, तो बोला कि चाहे अपना वेट भी नाप लो। तब मैंने वेट नापा तो उसकी मशीन पे केवल 78 निकला, जबकि मेरा वेट है 88 के आसपास, तो 10 किलो का भाई वो हुआ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरे पास एक और नापने वाली है, तो अभी मैं इस पर उसे अपना वेट नाप के दिखाऊँगा, और फिर जो मेरी किताब है उनको तोलूँगा, तो भाई उसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। का वेट जा रहा है कितना? 14. अच्छा, और इस पे कितना आया था? केवल 10 किलो ना, कितना डिफरेंस? डिफरेंस कुछ नहीं, ऐसा उस पे लग रहा है। पूरे 4 किलो का भाई घपला निकल रहा था, और वो रेट भी मेरे को ऐसे बता था 12 रुपए किलो बता रहा था, लेकिन मम्मी एकदम से बाहर आई, उन्होंने बोला कुछ दिनों पहले तो मैंने 15 में बेचा है, तो यहाँ 12 क्या बता रहा है, तो फिर करके उसने 12 रेट लगाया। 12 किलो होता 2 किलो और प्लास्टिक निकल गई, मैंने फ्रूटी पी के यहाँ पे इकट्ठी कर रखे थे काफ़ी सारी, तो टोटल ओवरऑल मेरे पे 200+ रुपए आ गए, 240 रुपए का बिका वो आ गया। तो भाई मुझसे थोड़ा आज का काम निकल जाएगा। तो मेरा साथ ही अभी अमेजोन का भाई ऑर्डर भी आ गया है, इसमें मैंने एक बहुत ज़रूरत वाली चीज़ मंगाई है। भाई खाट पर बैठने में थोड़ी दिक्कत आती थी बैठ के लैपटॉप चलाते हुए, तो उसके लिए मैंने कुछ मंगाया, अभी उसको अनबॉक्स करके दिखाऊँगा आपको, थोड़ी देर बाद दिखाऊँगा, अभी ऑफिस का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो अभी लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी मीटिंग हो गई है सर से, सर ने काम दे दिया, आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, काम तो पहले हो चुका है, बस अब रिलीज़ बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाने का काम है, तो वो मेरे को शाम तक बना के देना है, तो अभी मीटिंग हो गई है, तो शाम तक करते हैं आराम से, इतने थोड़ा बाकी काम निपटा लेते हैं। अभी मेरे को अपने दूसरे वाले घर में जहाँ पर मम्मी पापा रहते हैं वहाँ से भाई थोड़ा सा साफ़ सफ़ाई करनी है, वहाँ से थोड़ा सामान हटा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं सारा सामान, तो अभी मेरे को कमरे की जहाँ पे किताब वगैरह ना बहुत सारी वो साफ़ करने का काम मिला है, तो आज मेरे को वो करना है, तो अभी मैं वो करने चलता हूँ। और हम कर क्यों रहे हैं सब ये मैं आपको आगे बताऊँगा, कई काफ़ी मतलब भाई खुशखबरी वाली बात है, वो आगे बाद में रिवील करेंगे। भाई अभी मैं एक राउंड ऊपर ले के भी चला गया जो मतलब थी पूरी भर के, और बाकी अभी भाई ये सब बच रही है, इतनी सारी ये सारी बुक केवल मेरी है जो मैंने भाई 12वीं फालतू का पैसा खर्च करा इतनी सारी बुक ला के, और फिर भी भाई मैं ये क्रैक नहीं कर पाया। हालाँकि भाई मैं क्या है ना कि क्वालिफाई कर गया था मेंस को 2 बार, लेकिन एडवांस से निकल पाया, और इतनी सारी है भाई, और 240 रुपये की मैंने रेफ्रेशर भी बेच दिए, उसके बाद भी इतना सारा सब कुछ, इतनी सारी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है केवल IIT की है। अगर भाई इनके 50% भी रेट मिल गए ना तो मेरे को 20-30 हज़ार रुपये का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन भाई बहुत कम चांस है, रद्दी में बेचनी पड़ेगी, रद्दी में तो 400-500 की जाएगी बस। मेरा डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी मैं आ गया थोड़े से ब्रेक पे, क्योंकि ज़्यादा लंबा भाई बैठा नहीं जाता है काम करने, तभी मैं थोड़ा घर घूम के आता हूँ, उसके बाद दोबारा से काम शुरू करेंगे। इसको देखो क्या मज़े ले रही है। ए ए कर लो, धूप ले रही है। तो नीचे पहुँचा, पापा ने काम दे दिया हमारे, क्या ना सोफ़ा मैंने लिया था दोस्त से लिया था, उसके घर में एक्स्ट्रा रखा था, तो थोड़ा टूटा टूटा सा था, तो उसमें थोड़ा काम था प्लाई लगने का, तो मैंने इसको बुलाया, अब ये इसके साथ में प्लाई लेने जा रहा हूँ, इसे ठुकवाऊँगा फ्री में। अभी बड़ी मेहनत करके ये कार्डबोर्ड हम अपने घर ले आए, और मैं इसी मिस्त्री को इससे ही उठवा के लेकर आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको दोस्त में काम करते हुए? तो
इसको देखो कितना मगन हो रही है भाई टीवी में, आसपास की कुछ खबर ही नहीं है। ये टीवी कैसा लग रहा है, आंखों से सही लग रहा है, कैमरे में ऐसे आ रहा है। थुसी थोड़ा आंखों को आराम दे लो, एक दो मिनट पलक झपका लो। गाइस अब बिल्कुल सोने का टाइम हो गया है और मेरे को भाई अभी जाके याद आया कि मैंने बोला था कि मैं जो मैंने गिफ्ट मंगाया उसकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो भाई वो मैंने करी नहीं थी। वो बॉक्स अभी कैसी कैसी धरा है मेरे को अभी अभी दिखा, तभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ मैंने क्या मंगाया। मेरा अमेजोन का बॉक्स, इसको मैं फटाफट फाड़ लेता हूँ छटपट करके, एक मिनट खोल के आता हूँ। बस ये है मेरा टेबल, अभी इसके ऊपर ये भाई ये आया है पटपट करने वाला। पहले तो मैं इससे बहुत मज़े लूँगा, लेकिन उससे मज़े बाद में लेंगे, पहले अंदर दिखाता हूँ क्या है। देखो पीछे से ये टेबल है, असल में क्या है ना यहाँ पे जब खाट पे बैठता हूँ तो दिक्कत आती है, ऊंचा नीचा होता है, तब इसके नीचे के मैं पैर खोलूँगा इसके, और पैर खोल के ये टेबल ऐसी मस्त आ रहेगी। अब ये पूरा खुल के लग गया है भाई, ये है कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे बोतल रख लो, यहाँ पे पूरे पे लैपटॉप आ जाएगा, यहाँ पे ये सरफेस भी ऐसा है जिसके ऊपर माउस आराम से चलेगा, और यहाँ पे मैं रखूँगा अपना फ़ोन और टैबलेट दोनों एक साथ आ जाएगा। तो मस्त भाई खाट पे लेटे लेटे वाला जुगाड़ हो गया अब। तो ये था मेरे इसमें, तो इसी के साथ ये इसकी अनबॉक्सिंग। और ये थोड़ा हैवी वाला मंगाया मैंने, इसका सस्ता वाला भी आ रहा था लेकिन मैंने इसको जो ठीक ठाक क्वालिटी का है वो वाला मंगाया, तो ये लंबा चलेगा, अच्छा मटेरियल है इसमें। और अभी इसको मैं संभाल के रखने वाला, आराम से पटपट करूँगा इसके, पटाके फोड़ूंगा। इसी के साथ एक ये थोड़ा सा पर्चा भी निकला, इसमें लिखा है कि भाई आप बहुत लकी बंदे हो, तो आपको अगर अभी 5 स्टार देते हो हमारे प्रोडक्ट को तो हम आपको 50 रुपये दान में दे देंगे भाई, अगर इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देते हो। तो भाई ये बस फर्जी होते हैं सर, रियल भी हो लेकिन भाई क्या ही झमेला पालना है, तो इसके लिए अभी तक रख देते, बाद में कर देंगे कभी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।